नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जून 2019 के करंट अफेयर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग 13 जून 2019 के करंट अफेयर को भी कवर करेंगे क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो इस वीडियो में 13 और 14 जून के दोनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे 18 जोनों में बटा हुआ है, ठीक है। 18वां जोन विशाखापत्तनम में बनाया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था, अजरबैजान ग्रां प्री 2019 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी, तो अगर आपको नहीं पता हो अभी तक तो पिछले कुछ दिनों की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया दोस्तों 12 जून को। कब? 12 जून को मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये दोस्तों ILO द्वारा। किसके द्वारा? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चाइल्ड लेबर को ग्लोबली समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 2002 में, ठीक है। 2002 से ILO ने इसकी शुरुआत की थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, चाइल्ड लेबर को ग्लोबली समाप्त करने के लिए। क्लियर है बिल्कुल। अब इस बार के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की थीम है दोस्तों, चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम्स, यानी कि बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ILO की। ILO दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड हैं करंट टाइम पर गाय राइटर। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों मैंने सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया है एक स्पेशल वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में इतनी जानकारियाँ दी हुई हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार उत्तर पूर्व भारत में 13,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान सरकार ने, जापान गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो पूर्वोत्तर भारत में 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 13,000 करोड़ वहाँ की मुद्रा में कितना होता है? 205.784 बिलियन येन वहाँ की मुद्रा येन होती है, ठीक है। तो 205.784 बिलियन येन की मुद्रा वो इन्वेस्ट करेगी। कहाँ पर करेगी? पूर्वोत्तर भारत में जो चल रही योजनाएं हैं, पूर्वोत्तर भारत में कई सारे राज्य आते हैं, तो उसमें जो योजनाएं जो जो चल रही हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, उसमें 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा जापान। क्लियर है। जापान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जापान मैप में देख लीजिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पर होना है 2020 का ओलंपिक खेल। जापान के PM है शिंजो अबे, यहाँ की मुद्रा होती है येन और यहाँ की संसद का नाम होता है डाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य का बांचा गांव भारत का प्रथम 100 रसोई वाला गांव बना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है, वहां पर है एक बांचा गांव और वो 100 रसोई वाला पहला गांव बन गया है भारत का, ठीक है। वहां पर जितने भी घर हैं, टोटल 75 घर हैं, 75 घर हैं उस गाँव में, बांचा गाँव में, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में जो कि स्थित है। इन सभी घरों में दोस्तों भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे का यूज होता है, ठीक है। किससे? जो सोलर एनर्जी से चलने वाले चूल्हे होते हैं उनका यूज होता है सभी घरों में, इस गांव के सभी घरों में खाना बनाने के लिए। क्लियर है। इसको किसने डिज़ाइन किया है, इस चूल्हे को? इस चूल्हे को डिज़ाइन किया है दोस्तों IIT मुंबई की टीम ने, स्पेशली तरीके से इसे डिज़ाइन किया है इस प्रकार के चूल्हे को। तो मध्य प्रदेश का बांचा गाँव दोस्तों बन गया है 100 रसोई वाला पहला गाँव हमारे भारत का। क्लियर है बिल्कुल। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश मैप में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के CM हैं कमलनाथ, यहाँ की राजधानी भोपाल और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा तूफान अरब सागर से उठा हुआ है। तो अभी हाल ही में दोस्तों वायु नाम का तूफान अरब सागर से उठकर गुजरात के तट की तरफ बढ़ा हुआ है, ठीक है।
पूर्वी मध्य अरब सागर में ये आया हुआ है। ये तूफान दोस्तों गुजरात तट से लगभग 280 किलोमीटर दूर था अभी, ठीक है। गर्म समुद्री हवाओं के कारण ये तूफान बना हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका नामकरण किसने किया, किस कंट्री ने किया। तो वायु नाम दिया है इसको इंडिया ने, क्लियर है। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी दी हुई थी आपको फ़ानी तूफान पर, जब फ़ानी तूफान आया हुआ था तब मैंने आपको वो वीडियो दी हुई थी कि ये तूफ़ानों के नाम कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। फ़ानी तूफान मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा कंट्री कौन सा नाम रखेगा किस तूफ़ान का, ठीक है। तो आगे आने वाले जो तूफ़ान होंगे उनका नामकरण कौन सी कंट्री रखेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी का अतिरिक्त प्रधान सचिव किसे बनाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अतिरिक्त प्रधान सचिव दोस्तों बनाया गया है पीके मिश्रा को। किसे? पीके मिश्रा को एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना गया है। और जो प्रधान सचिव हैं वो पुराने वाले ही होंगे जो कि नृपेंद्र मिश्रा थे, तो वो अब भी होंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, और प्रधानमंत्री मोदी जी के अतिरिक्त प्रधान सचिव बन गए हैं पीके मिश्रा, क्लियर है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही में मानी जाएगी यानी 31 मई से, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल समाप्त होने पर इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ने वाले बच्चों को जेल भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने दोस्तों बुजुर्ग माता पिता को छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको जेल भेजने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है, ठीक है। चाहे वो बेटी हो या फिर बेटियां हों, अगर वो अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। कहाँ पर? बिहार राज्य में। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस केस में दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के बुजुर्ग माता पिता शिकायत कर देते हैं तो गैर जमानती धारा के तहत FIR दर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बिहार ने ऐसा किया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार के बारे में जान लेते हैं, बिहार मैप में देख लीजिए, यहाँ की राजधानी पटना, यहाँ के CM हैं नीतीश कुमार जी, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं लालजी दास टंडन जी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में ओला ने किसे अपनी पब्लिक पॉलिसी का निदेशक नियुक्त किया। तो अभी हाल ही में ओला ने दोस्तों अपनी पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्टर नियुक्त किया है प्रशांत कुमार को। किसे? प्रशांत कुमार को अपनी पब्लिक पॉलिसी का निदेशक नियुक्त किया है। अब प्रशांत कुमार जो होंगे ये ओला के कॉर्पोरेट रिलेशन के लिए पॉलिसीज़ का संचालन करेंगे। अब प्रशांत कुमार कौन है? प्रशांत कुमार दोस्तों राजीव कुमार के बेटे हैं। ये वही राजीव कुमार हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बेटे प्रशांत कुमार को ओला ने अपनी पब्लिक पॉलिसी का निदेशक नियुक्त किया है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में WTA द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी सबसे ऊपर है। तो अभी मैंने कल की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में ATP रैंकिंग बताई हुई थी, आज मैं बता रहा हूँ WTA रैंकिंग, ठीक है। तो WTA रैंकिंग जो होती है वुमेंस टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग होती है, यानी कि ये वुमेंस की रैंकिंग होती है टेनिस खिलाड़ियों की। तो इसमें पहले नंबर पर है नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका हैं फर्स्ट पर। सेकेंड पर हैं एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी वही हैं दोस्तों जिन्होंने अभी फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, और ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। नाओमी ओसाका हैं जापान की जिन्होंने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है WTA रैंकिंग में। अभी मैंने ATP के बारे में बताया। ATP जो होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये मेंस की रैंकिंग जारी करता है, और ये WTA जो होता है ये वुमेंस के लिए है, ठीक है। यानी कि आप कहें कि अगर ATP के बारे में बात करेंगे तो इसमें मेंस के जितने टूर्नामेंट आते हैं उनका कार्यक्षेत्र आता है, ठीक है, उनकी देखरेख ATP करता है, और जो WTA होता है ये वुमेंस के जो टेनिस के खेल होते हैं उसकी देखरेख या उसका बोर्ड कहें तो WTA है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 33वें ग्वादलहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया, ये किस देश में आयोजित होगा। तो ये 33वां ग्वादलहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दोस्तों आयोजित होने वाला है मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में आयोजित होने वाला है, और इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है। किसको? इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है मैक्सिको में होने वाले 33वें ग्वादलहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में, क्लियर है। कब से कब तक होगा ये? ये होगा दोस्तों 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। कब तक?
30 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर तक चलेगा इसी वर्ष 2019 में। और ये दोस्तों स्पेनिश भाषा बोलने वाले के लिए सबसे बड़ा पुस्तक मेला होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर होगा ये? मैक्सिको में। इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है 33वें गुआदालाहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के तट पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया, और इसे किसने किया? डीआरडीओ ने। किसने? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है इस HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतम परीक्षण। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए इसका फुल फॉर्म, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? DRDO ने। कहाँ पर? उड़ीसा के तट से। क्लियर है? ये है क्या दोस्तों? ये एक मानव रहित स्क्रैम जेट है और इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, जो कि है लगभग 6 मैक की। कितने की? 6 मैक की, यानी कि ध्वनि की आवाज़ की 6 गुना है इसकी स्पीड। क्लियर है? DRDO से यह किया गया है। DRDO के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए दोस्तों। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं GS Reddy। कौन? G. Satish Reddy जी। ओके, उड़ीसा आया है, उड़ीसा मैप में देख लीजिए, नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के CM, 5वीं बार ये बने हैं यहाँ के CM। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, उसमें फिर से इन्होंने जीत हासिल की, 4 राज्यों का जब चुनाव हुआ था। उड़ीसा के करंट टाइम पर गवर्नर है दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में ही हुआ था दोस्तों 2018 में हॉकी विश्व कप, इसको भी आपको याद रखना है। बेल्जियम ने जीत हासिल की थी उस वर्ल्ड कप में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में JNU द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया जाएगा? JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसके द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया जाना है? तो उसके द्वारा दोस्तों निर्मला सीतारमण जी को और सुब्रमण्यम जयशंकर को सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही केंद्रीय जो मंत्री हैं दोस्तों, इन दोनों ने JNU से पढ़ाई की हुई है। कहाँ से? JNU से इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। निर्मला सीतारमण जी हमारे भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बन चुकी हैं पूर्णकालिक, और सुब्रमण्यम जयशंकर जी ये हमारे भारत के बन चुके हैं विदेश मंत्री। क्लियर है? बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने JNU से MA और MPhil की डिग्री हासिल की हुई है, और सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं ये दोस्तों JNU से MPhil और डॉक्टरल रिसर्च पर फॉर्म की भी डिग्री हासिल की हुई है। क्लियर है? तो इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा JNU द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूनिसेफ ने किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को, किसे? प्रियंका चोपड़ा को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रियंका चोपड़ा कौन है? प्रियंका चोपड़ा दोस्तों यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर है, ठीक है? हमारी भारत की अभिनेत्री यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ की ये, और इनको मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ देख लीजिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंडिंग, यानी कि ये चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रंस के लिए इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करता है इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, 1946 में हुई थी इसकी स्थापना, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। मैंने आपको बहुत बार बताया है सर, मैंने आपको इस ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में भी बताया था, जो ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें ये ट्रिक बताया था कि हेडक्वार्टर याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जितना पैसे से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, ठीक है? इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और यूनिसेफ हो गया, ठीक है? तो जितने भी पैसे से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, बाकी जो चीज़ें हैं वो जिनेवा में हैं, ठीक है? तो मैं उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसराजी टेक्निकल सर्च करके, उसमें आपको और डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएगी, तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दोस्तों टॉप 100 एथलीटों की सूची जारी की है दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की। इसमें एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली, जिनका स्थान है 100वां, ठीक है? इस लिस्ट में सबसे लास्ट में हैं विराट कोहली जी, इनका 100वां स्थान है। पहले पर कौन है? पहले पर हैं फुटबॉलर मेसी, ठीक है?
लियोनल मेसी जो हैं वो हैं टॉप पर, और विराट कोहली को 100वां स्थान मिला है फोर्ब्स द्वारा जारी इस टॉप 100 दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, विराट कोहली दोस्तों ये 100 मिलियन फॉलोअर वाले, सोशल मीडिया पर फॉलोअर वाले एकमात्र क्रिकेटर भी बने थे अभी हाल ही में, कुछ दिनों पहले। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक कौन बने। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक बन गए हैं दोस्तों अमिताभ घोष। कौन? अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में। ठीक है, और ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अंग्रेजी लेखक बन चुके हैं। इमेज भी देख लीजिए, यही हैं अमिताभ घोष दोस्तों। इनको किसने सम्मानित किया है? इनको बंगाल के पूर्व राज्यपाल यानी गवर्नर जो थे गोपाल कृष्ण गांधी, उन्होंने इनको पुरस्कृत किया है। किससे पुरस्कृत किया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से अंग्रेजी भाषा के। क्लियर है, जो कि है 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में धानी मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो अभी हाल ही में असम में दोस्तों धानी मेंढकों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। और किसने इसकी खोज की है? इसकी खोज की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने। किसने? दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी खोज की है धानी मेंढक की। कहाँ पर की है? असम में। ये एक पैडी फ्रॉग है दोस्तों। पैडी फ्रॉग जो होता है वो संकीर्ण मुंह वाले मेंढकों का ग्रुप होता है। ठीक है, संकीर्ण मुंह वाले मेंढकों का ग्रुप का है ये। इसको नाम दिया गया है ऐसानी। क्या नाम दिया गया है? ऐसानी नाम दिया गया है। ये जो ऐसानी है दोस्तों ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पूर्वोत्तर। क्या? पूर्वोत्तर इसका अर्थ होता है ऐसानी का। तो ऐसानी नाम दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस मेंढक का जिसकी खोज हुई है असम राज्य में, और किसने की है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने और भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिल करके। क्लियर है, असम आया है तो असम के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ की राजधानी दिसपुर, यहाँ के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन सफर डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया, ये कहाँ के संसद हैं? तो आपको बताना है कि ये कहाँ के संसद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग्स में टॉप पर रहे नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, और आप लोग इन दोनों क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट हमको डिटेल में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कल की वीडियो में, यानी कि इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनके नाम हैं प्रीति राजपूत, प्राची पांडे, प्रिंस कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, सुजीत कुमार, राहुल साहू, संगीता रावत, आलोक कुमार, अभिषेक कर्ण, सकीना खान, विघ्नेश आचार्य, पूजा चौधरी, रवि चौबे और अंजना संजीव सिंह। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बस फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।